हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद फताज। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तिल गुड़ के लड्डू। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम तिल ली हुई है और गुड़ चाहिए होगा हमें, वो भी 100 ग्राम। जितनी तिल लें उतना ही गुड़ लें। और हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच प्योर घी। अब हम सबसे पहले एक कढ़ाई में तिल डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। तिल अच्छी तरह से भून चुकी है, मैं इसे निकालकर एक साइड पर रख दूंगी। इसी कढ़ाई में हम घी ऐड कर देंगे। घी ऐड करते ही सारा गुड़ इसमें ऐड कर दें। गुड़ की वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं, आप इसे थोड़ा सा तोड़कर यूज़ कीजिएगा। और इसे अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। मेल्ट होने के लिए थोड़ा सा 1 चम्मच पानी आप डालेंगे, काफ़ी होगा। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इस सिरप में थोड़ा सा झाग आना स्टार्ट हो जाएगा, देखिए आ रहा है। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब चेक करते हैं कि गुड़ अच्छी तरह से पक चुका है या नहीं। बोल में एक पानी लेकर आप इसके ड्रॉप्स डालें, तो अगर ये एक जगह है इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये अच्छी तरह से पक चुका है, इसीलिए हम इसमें तिल ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद मैं इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाया है, गैस ऑफ कर देते हैं। अब हम इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने छोड़ देंगे। अब हम इसे चम्मच में लेंगे, थोड़ा सा चम्मच में लेकर हथेली पर आप थोड़ा सा पानी लगाकर इसके बॉल्स बनाना स्टार्ट कर दें। गुड़ काफ़ी गर्म होने की वजह से हाथ थोड़ा सा जल सकते हैं आपके, 2-3 लोग अगर बनाएंगे तो जल्दी से बन जाएगा ये। इस तरह से आप कच्चे करें और इसे अच्छी तरह से गोल बना लें। मैं और मेरी मम्मा बना रहे हैं ये। आप इसी तरह से सारे गुड़ के लड्डू बना लें। देखिए ये थोड़े से ठंडे होने की वजह से ये सही नहीं बने हैं। तिल और गुड़ के लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।